आयदा घर पे, यहाँ कैसे होगी? लेकिन मैंने अभी देखा, वही तो मैं कह रहा हूँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मायरा घर पर है यार। उसी तरफ जाते हुए देखा था मायरा को। लगता है भाभी आ गई। लेट्स स्टार्ट। गिरीश, मायरा ने कहा उसकी तबीयत खराब है। और करीना दी, मायरा को क्या हुआ? आप तो सरला अरोरा के घर गई थी ना उससे मिलने, और मुझे बताने की जरूरत नहीं समझी आपने। करीना दी, मेरा इरादा तो नहीं था सरला जी के घर जाने का। निकली घर से थी मार्केट जाने के लिए, फिर अचानक से मन हुआ कि सरला जी से एक बार मिल लेती हूँ, सो चली गई। लेकिन करीना दी, मायरा को हुआ क्या है? उसके सर में बहुत दर्द है, मैं एक बार उसे देख लेती हूँ। भाभी, मैं गिरीश से यही कहने आई थी कि मायरा ने कहा है उसे कोई डिस्टर्ब ना करे, अगर उसे किसी ने भी डिस्टर्ब किया तो उसका सर दर्द बढ़ जाएगा। इनफैक्ट उसने ये भी कहा है कि सुबह को भी कोई उसके रूम में नॉक ना करे, जब उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी वो अपने आप नीचे आ जाएगी। मैडम के सर में नहीं, दिल में दर्द होगा। दूसरों को सर दर्द देने वाली के सर में दर्द हो ही नहीं सकता। हाँ, शैतान की बच्ची, उसकी शैतान माँ ने सरला आंटी को बहुत तकलीफें दी हैं। लेकिन करीना दी, मेरा मन नहीं मान रहा, मैं एक बार मायरा। हाँ भी, मैंने आपसे कहा ना, मायरा ने कहा है उसे कोई डिस्टर्ब ना करे, मैंने उसे मेडिसिन दे दी है और शर्लिन उसी के कमरे में उसकी देखभाल कर रही है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा शर्लिन संभालेगी या हमें इन्फॉर्म कर देगी। ओके भाभी, मुझे ये बताइए, ऋषभ का फोन आया? हाँ आया था, वो अपनी कॉन्फ्रेंस मीटिंग के लिए वहाँ पहुँच चुका है। बोल रहा था कि वहाँ काम को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स है और वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में थोड़ा सा वक्त जाएगा, लेकिन इतना भी कहा कि वो कोशिश करके जल्द से जल्द घर वापस आ जाएगा। जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे भी ऋषभ भैया बहुत ही स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है, वो ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। और वैसे भी जहाँ ऋषभ भैया है ना, वहाँ का टाइम जोन थोड़ा डिफरेंट है, तब यहाँ दिन होती है तो वहाँ रात, एंड वाइस वर्सा। और जैसे ही ऋषभ भैया का काम खत्म हो जाएगा ना, वो यहाँ आ जाएंगे। रियली समीर, ये बात हमें पता ही नहीं थी। बुआ, मैं तो पता नहीं क्यों थोड़ा सा अजीब लग रहा है, पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे दोनों बेटे घर पे नहीं है। चाची, आपका हो तो मैं ऋषभ भैया को बुला दूं? अरे नहीं, वो दोनों जहाँ पे भी हैं अपने अपने इम्पोर्टेंट काम के लिए गए हैं। मैं तो बस यूं ही कह रही। मैं भी यूं ही मजाक कर रहा था। बदमाश कहीं का। हो गया समीर, अब एक काम करो, अपने कमरे में जाओ और चुपचाप सो जाओ। पता है ना, करण और ऋषभ यहाँ नहीं है, ऑफिस तुम्हें ही संभालनी है, तो सुबह जल्दी उठ के ऑफिस चले जाना। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट बुआ, गुड नाइट चाची। गुड नाइट बेटा, मैं अपने कमरे में जाती हूँ। I'm sorry, really sorry. तरह सबसे टकराती रही तो लोग मुझे ही पागल समझेंगे, लेकिन मायरा जैसी ही लग रही थी वो लड़की। समीर से फोन करके पूछती हूँ। ए, किसका? प्रीता भाभी का फोन। हाय भाभी, कैसे हो आप? समीर, तुम घर पे ही हो ना, कहीं बाहर तो नहीं हो? हाँ भाभी, मैं घर पे हूँ, आपको कुछ काम था क्या? हाँ, जरा मुझे फटाफट देख के बता कि मायरा घर पे है। मायरा? भाभी, आप मायरा के बारे में क्यों पूछ रहे हो? अरे क्योंकि मुझे अभी इस रिजॉर्ट में जहाँ करण और मैं आए ना, ऐसा लगा कि मैंने मायरा को देखा है।
अरे नहीं भाभी, आपको गलत लग रहा है, मायरा घर पे ही है। मैडम जी के ना सर में दर्द हो रही है, वो टेंट्रम शो कर रही है, वो अपने कमरे में ही है, उसके साथ शर्लिन भी है। अच्छा, अब मुझे ऐसा क्यों लगा कि मैंने मायरा को देखा है, एकदम सेम डिट्टो। भाभी आपका वहम होगा, या मायरा के बारे में ज्यादा सोच रहे होगे, या आपने मायरा जैसा कोई और चेहरा देख लिया होगा। क्या हो सकता है? ऐसे भाभी आप करण भाई के साथ हो, उनके साथ थोड़ा एंजॉय करो, थोड़ी खुशियां मनाओ, छोड़ो ना शैतान की बच्ची को। क्या आप भी मतलब तुम्हारे भैया कौन सा शैतान से कम है। भाभी अगर करण भाई एक प्रॉब्लम है तो एक बात बताओ, उनका नाम सुनते ही आपके चेहरे पे स्माइल क्यों आती है? अच्छा तो अब तुम भी मुझे कुछ ज्यादा ही समझने लग गए हो। हाँ मुझे पता है ये सब बातें कहाँ से आ रही हैं। ये सृष्टि के साथ तो कुछ ज्यादा ही घूमते हो। मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, सृष्टि के साथ ज्यादा घूमना बंद कर दो। समझ में आई? अब ब्लश करना बंद करो, फोन रखो और जाओ। समझे? ठीक है भाभी, बाय। एंजॉय एंजॉय भाभी। हेलो टैक्सी, 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 रुको रुको रुको, टैक्सी रुको। थैंक यू सो मच। चलिए उतरिए, टैक्सी मैडम ने रोकी है, आपने नहीं। अरे भैया ये मैडम, इन्हें मिस्टर की है, आई मीन हम एक साथ है। हाँ सुना ना तुम, और तुम गाड़ी तेज चलाना, बैलगाड़ी की तरह नहीं। ओके गाड़ी 45 की स्पीड के ऊपर नहीं चलती है। अरे कोई बात नहीं, आप प्लीज चलाइए ना भैया प्लीज। क्या ड्राइविंग है भैया आपकी? अरे मैं दी को फोन कर देती हूँ ना। हाँ मिला मिला मिला। मैं दी को फोन करके बोल दूंगी कि वो चुड़ैल शर्लिन और वो जंगली बिल्ली मायरा क्या प्लान कर रहे हैं और वो क्या करने वाले हैं। क्या करने वाले? तुम्हें मालूम है क्या? अरे मुझे कैसे पता होगा कि वो लोग क्या करने वाले। ऑफकोर्स कॉमन सेंस की बात है, मायरा और शर्लिन जीजू और दी का हनीमून बर्बाद करने वाले हैं, इसलिए तो यहाँ पर आई है मनाली में। यही बात हमें प्रीता दी को बतानी है, समझे? अरे ये बात तो मुझे भी मालूम है, मुझे लगा तुम्हें एग्जैक्ट प्लान मालूम है कि वो दोनों क्या करने वाली हैं। अरे यार सामी मुझे एग्जैक्ट प्लान कैसे पता होगा यार? यार तुम तो चुप ही रहो, तुम मुझे ना और परेशान मत करो। मैं काम करती हूँ, मैं करण जीजू को फोन कर देती हूँ। करण जीजू को फोन करके बता दूंगी कि मायरा और शर्लिन ऑलरेडी मनाली में है और वो उनके रिजॉर्ट पहुंच गई है, और मैं उनको ये भी बता दूंगी कि करीना मैम ने सबसे झूठ बोला, उनको ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है ओके कर, मिला लगाओ फोन। क्या हुआ? मेरा फोन कहाँ है? मेरा फोन तुम्हारे पास है क्या? अरे लगता है जब ये गाड़ी चला रहा होगा ना तुम्हारा फोन नीचे गिर गया होगा, नीचे देखो कहीं नीचे होगा फोन। मिल गया, लगाओ लगाओ फोन लगाओ। देखो फोन लगाती हूं। क्या हुआ? मुझे तो लगा था कि मेरे पास आने से तुम्हें कुछ नहीं होता, लेकिन आज तो तुम फिसल गए। मिसेस लूथरा आप शायद बोल रही हैं, अभी अभी आप फिसली मेरी गोद में। हाथ छोड़ो मेरा। हाथ छुड़वाना चाहती हो? जाना चाहती हो? वैसे मैंने इतनी कस के हाथ पकड़ा भी नहीं है, तुम छुड़ा के जा सकती हो, लेकिन अगर नहीं जाना चाहते तो मेरा दूसरा हाथ पकड़ के यहां बैठ सकती हो। मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ। और एक बात और मिसेस लूथरा, अगर मैं ये कहूं कि तुम्हारे पास होने से मुझे कुछ होता नहीं तो ये गलत होगा। क्योंकि तुम पास होती हो ना तो कुछ कुछ नहीं बहुत कुछ होता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे पास होने से
तुम्हें भी कुछ कुछ हो। जैसे पंछी अंबर पाए, जैसे नदियां मेरे पास होने का एहसास हो। देखो फोन लगाती हूँ। अरे ये कपड़े तो थोड़े से इट विल नॉट गो विद द ओकेजन। ठंड है, ठंड के कपड़े होने चाहिए ना। ये कपड़े तुम ही पैक करके लाए हो ना 15 बैग्स में। हाँ ठीक है, लेकिन मैं और कपड़े भी लाया हूँ ना, तो उसमें से कुछ सिलेक्ट कर लेते हैं। तुम रहने दो, मैं खुद सिलेक्ट कर लूंगा। ओके एक्चुअली मैं यही चाहती थी कि तुम अपने कपड़े खुद सिलेक्ट करो, मैं तुम्हें गलत आदतें डालना भी नहीं चाहती। इसमें क्या हो रहा है? ये देखो, इसे कहते हैं चॉइस, माय चॉइस। मैं फ्रेश होके आता हूँ। मैं अभी आया। अरे ऐसे कैसे अभी आए? बात कर रहे हैं ना। मिसेस लूथरा, इतना भी प्यार मत कीजिए मुझसे कि मैं 2 मिनट इधर ही उधर जाऊं तो आप मुझे मिस करें। मैं अभी आया। सॉरी। हाय करण सर। सर कैसे हो सर आप? हाय आई एम राज, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। लेकिन मुझे तो उससे मिलकर बिल्कुल खुशी नहीं है। जिस लड़की को तू घूर रहा है ना, वो कोई ऐसी लड़की नहीं है, बीवी है मेरी। वो तो प्रीता जी ने आपसे शादी की है। माय गॉड, तू जानता है प्रीता को? हाँ बहुत अच्छे से जानता हूँ, और मैं उनको ग्रेटिट्यूड के नजरिए से ही देख रहा था, और वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने जो मेरे लिए किया है वो मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। और मैं सोच रहा था कि आऊँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं सिर्फ ऐसे देख रहा था। लेकिन आप शायद गलत समझ गए, ऐसा कुछ नहीं था। मैं उनको उस नजरिए से नहीं देख रहा था, वो मेरी बहन जैसी है। अच्छा, गुड टू मीट यू प्रीता का भाई। वो क्या है ना कि हमारे शहर में उनकी बहुत इज्जत है, हमारे शहर में ना उनकी बातें होती हैं। वो बहुत अच्छी लड़की है, वो बच्चों को प्यार करती है और बड़ों की इज्जत भी करती है। वो क्या है ना सर, सॉरी आपको बुरा लगेगा लेकिन ये सच्चाई है, उन पे ना कई लड़के फिदा थे, उनसे शादी करना चाहते थे तो, पर किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि उन्हें प्रपोज करे। तो ऐसी बातें बोल रहा तो मुझे बहुत जलसी हो रही है, लेकिन मैं लकी हूँ उसकी शादी मुझसे हुई। इतनी तारीफ क्यों कर रहा है प्रीता की? करण को लग रहा है कि उस बहुत अच्छा हुआ उसकी शादी हो गई है प्रीता से। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, मारो। अजीब लड़कियां हैं यार, पहले मुझसे टकराई अब तुझ पे गिरी। सॉरी भी नहीं बोला। अब आप समझ लीजिए सर, प्रीता जी कितनी संस्कारी हैं। क्या कर रही थी? क्या करने की कोशिश कर? क्या किया मैंने? क्या किया? तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ? मुझे दिखाई नहीं दे रहा था उस आदमी ने प्रीता की थोड़ी सी तारीफ क्या की, तुम तो उसे मारने जा रही थी। अरे पागल हो गई हो क्या? मैंने कुछ नहीं किया। तुमने सच में कुछ नहीं किया? ठीक है किया मैंने, लेकिन वो कितनी तारीफ कर रहा था प्रीता की, क्यों कर रहा था, क्या जरूरत थी? मुझे तो लग रहा है शॉलिन प्रीता ने उसको पैसे दिए अपनी तारीफ करवाने के लिए, नहीं तो वो क्यों करेगा ऐसी इतनी रैंडमली तारीफ। तुम जेलस क्यों हो रही हो? तुम्हारी जेलसी की वजह से हमारा पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा, हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे। क्या कर रही हो? सृष्टि, मैंने सृष्टि की आवाज सुनी।
किसी की आवाज नहीं है। अरे इतने वहम हो रहा है। नहीं नहीं वहम नहीं हो रहा है, आवाज सुनी मैंने। मायरा तुम्हें क्या लगता है कि तुम और मैं यहाँ पर आ गए तो यहाँ पर कोई भी आ सकता है? सृष्टि यहाँ पर नहीं आ सकती, और वैसे भी जब तक सही टाइम नहीं आएगा तुम किसी के सामने नहीं आ सकती। सामी, मुझे पता था कि तुम एक नंबर के फट्टू हो, लेकिन इतना क्यों डर रहे हो यार? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इन दोनों को पता लगे कि हम दोनों यहाँ पर हैं। अरे तो उस हिसाब से इन दोनों चुड़ैलों को हमसे डरना चाहिए ना, हम क्यों इनसे डरे? सृष्टि तुम समझ नहीं रहे हो, अगर इन दोनों को शक होगा ना कि हम दोनों यहाँ पर हैं, ये दोनों अपना प्लान चेंज कर देंगे, अलर्ट हो जाएंगे। अच्छा बताओ हम दोनों यहाँ पर क्यों आए? इन दोनों पर नजर रखने के लिए, राइट? तो इससे पहले ये दोनों करण भाई और प्रीता भाभी के हनीमून को बर्बाद कर दें, हमें इनके प्लान को बर्बाद करना होगा। ओके ओके, क्या बात है मेरे इंटेलिजेंस से सैमी, तुम भी मेरे समझ के बहुत इंटेलिजेंट हो गए हो। तुम्हें पता है कि तुम्हें करण के साथ क्या करना है? उसके होश उड़ाने। उसे कुछ समझ में नहीं आना चाहिए कि तुम उसके साथ क्या करने जा रही हो, और जब तक उसे समझ में आएगा तब तक बहुत देर हो जाएगी। करण तुम्हारा हो जाएगा हमेशा हमेशा। ठीक कह रही हो, जो करना है वो करते हैं। प्यार के इस चांस में, पेपर के इस डांस में अब सिर्फ तीन कपल्स रह गए हैं यहाँ पे। तो अब देखते हैं कि इन तीन कपल्स में से वो एक कपल कौन है जो बनेगा आज की शाम का पावर कपल ऑफ द इवनिंग। मैम, हमने तो कोई ड्रिंक्स ऑर्डर नहीं की थी। मैम इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, एंजॉय। राज के दादाजी तुम्हारे पहले बॉयफ्रेंड थे। ओह, मुझे पता था कि तुम्हारे दिमाग में कुछ तो चल रहा है, तो ये चल रहा था। हाँ, मेरे बॉयफ्रेंड थे। जैसे मेरी दादी तुम्हारी पहली गर्लफ्रेंड, बस वैसे ही राज के दादाजी मेरे बॉयफ्रेंड है। I mean, ये तो मुझे पता था, मैं तो इसलिए पूछा था ताकि मुझे जो पता है वो सही होना चाहिए, इसलिए पूछा। मैं इसलिए भी पूछना चाहता था क्योंकि क्योंकि कुछ नहीं। कुछ तो है। कुछ नहीं क्या है? कुछ नहीं कहो ना। आई मीन मूवी अच्छी थी ना?
चलिए तो अब हम बढ़ते हैं अपने फिनाले मोमेंट की तरफ. ओनली वन लेग ऑन द फ्लोर. चलिए देखते हैं किसकी कितनी मजबूत है प्यार की डोर. मैं अभी आई. एक मिनट, कहाँ जा रही? रूम में जा रही. क्यों? ये वाले शूज है ना, ये दुख रहे हैं. अभी चलता हूँ. एक्सक्यूज है सर. कैसा है? मेरे हाथ भी बांधी है और ये दोनों का काम है. हम मैं यहाँ से बाहर कैसे जाऊंगी? यहाँ तो कोई भी नहीं. करण, हेल्प, सृष्टि, सृष्टि, समीर, सृष्टि, कोई तो हेल्प करो. ये तो ठीक है. वहां से ये कहां से आ रही है? ली दी आपको. अरे ये किसने बा दी? आप कहाँ पर हो? हाँ मैं सृष्टि, मैं तेरे पास ही हूँ. मैं तुझे सुन सकती हूँ. मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ पर हूँ, लेकिन तू बस मेरी आवाज फॉलो करके मेरी तरफ आ. मेरे पूरे हाथ पर बंधे हुए, मैं कैसे हूँ दी आप? सैमी, 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 अपनी आंखें खोलो सैमी. दी दी, ये सब शर्लिन का काम है. इसने हमें हाथ पैर बांध कर यहाँ पर बंद करके रखा. ये oh my God, तुम लोगों को भी यहीं पर बांध दिया. ये जरूर उन्हीं दोनों का काम. तो मुझे पूरी बात बता, क्या किया उन्होंने? अरे दी, मैं वॉशरूम गई थी और मैं जब वॉशरूम से बाहर निकली तो अचानक से दो आदमी आए और मुझे क्लोरोफॉर्म सुंघा दी उन लोगों ने. दी मैं कह रही हूँ, ये शर्लिन हमसे बदला ले रही है. उसको शायद पता चल गया कि हमने मायरा को कुछ खिलाया पिलाया उसको बेहोश करने के लिए. दी लेकिन मायरा कोई बेहोश नहीं हुई है. होशो हवास में घूम रही है वो. कुछ नहीं हुआ उसे. ये ड्रिंक पी के करण अपने होश को देगा और मैं उस बात का पूरा फायदा उठाऊंगी. कम तुम्हें ऑइंटमेंट लगा देता हूँ. ये होटल का स्टाफ ना बिल्कुल पागल है. जब देखो सेल्फी सेल्फी सेल्फी. तंग आ गया हूँ सेल्फी से देखे हमें. कब
प्रीता की ड्रेस है ना, अच्छी लग रही है ना? मैंने वो नहीं कहा, मैंने कहा कि तुमने प्रीता की ड्रेस क्यों पहनी। मेरी ड्रेस फट गई थी। ओ रियली? मैंने तो नहीं देखी फटी हुई ड्रेस। तुम्हें इतनी छोटी सी बात पर मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरी ड्रेस फट गई थी? ठीक है, मैं जाकर अपनी ड्रेस लेके आती हूँ, तुम्हें दिखा देती हूँ, तुम्हें सबूत दिखाती हूँ कि मेरी ड्रेस फट गई थी। मायरो सॉरी, वो एक्चुअली तुमने प्रीता की ड्रेस पहनी तो मुझे बुरा लगा, यू नो। करण, मेरी ड्रेस फट गई थी, मैं कुछ देख रही थी अगर मुझे मिल जाता पहनने के लिए। मुझे ये नाइटी मिली, मैंने पहन ली। एक नाइटी तो है, प्रीता को दिला दूंगी मैं। नहीं, इट्स ओके, आओ ऑइंटमेंट लगा देता हूँ। सिट। तुम्हें ना दर्द हो रहा है तो तुम एक काम करो, खुद लगा लो। नहीं, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं खुद कैसे लगाऊंगी? तुम प्लीज लगा दो ना। You'll be fine. अब करण, तुम थक गए हो, पानी पी लो। No, I'm fine. नहीं, have water. भैरा, मुझे प्यास नहीं है। लेकिन करण, भैरा एक्चुअली तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। तुमने मेरी इतनी हेल्प की, चोट पे भी ऑइंटमेंट लाके लगाया, मैं तो बस थैंक्स बोलने की कोशिश कर रही थी। कुछ है ही नहीं जो मैं तुम्हें ऑफर करती, इसलिए मुझे लगा आई विल गिव यू वाटर। तुम पानी पी लो, मैं चली जाऊंगी। ओके। अब हम दोनों को पास आने से कोई नहीं रोक सकता। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट ही बोल रही थी। करण, तुम ठीक हो? I'm fine. अचानक चक्कर सा आया मुझे। I'm okay. कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बेड। No, no, I'm fine. मैं चला जाऊंगा। It's okay, करण, come. I'll help you. आजा, आराम से। कम, एक सेकेंड। आजा।